सुशीला अपना हाथ दिखाओ. दर्द हो रहा है ना? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अच्छा लगता है इस तरह का व्यवहार करना? कितनी बार बोला है कि ऐसा कुछ मत करो जिससे मेरे मन को ठेस पहुंचती हो. अब ना वो आईना तुम घर में लाती और ना मैं. खैर, आइंदा ध्यान रखना. मैं नहाने जा रहा हूं, नाश्ता तैयार रखना. जी की बीवी इतनी सुंदर, टाट में मखमल का पैबंद. कान्हा जी, कान्हा जी, ओ कान्हा जी, क्या हुआ सुबह सुबह आप यहाँ? दरअसल कल शाम को जब बच्चे खेल रहे थे तो उन्होंने सरकार के घर के कुछ शीशे तोड़ दिए, जिसकी वजह से पूरी रात ठंडी हवा घर में आती रही. सरकार ढंग से सो भी नहीं पाए, इसलिए तुम्हें तुरंत वाड़े चलकर जितने भी टूटे हुए शीशे हैं उनकी मरम्मत करानी होगी. और हाँ, जल्दी आना, सरकार को इंतजार की आदत नहीं. जी. आज बहुत अच्छा दिन है, तुम तो जानती हो, और तुम्हें वहां बहुत अच्छा लगेगा. पसंद करोगी उस जगह को. साईं, नहा धोकर साफ सुथरा हो गया हूं, भगवान से मिलने के लिए तैयार हूं. वो तुम्हें बहुत अच्छे से रखेंगे. साई, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? सबूरी महादेव, इतनी भी क्या जल्दी है? वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारे भगवान दिख जाएंगे. साई, आपने वादा किया था कि आज भगवान दिखाएंगे. उस पल का मैं कितने समय से इंतजार कर रहा हूं. हाँ, लेकिन अभी तो दिन शुरू हुआ है. साईं, जब से मैं शिरडी आया हूं तब से मैं देख रहा हूं आप हर किसी की मदद तुरंत करते हैं, फिर मेरी मदद करने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? जबकि आप जानते हैं कि भगवान से मिलने के लिए मैं कितना अधीर हूं, कितना बेचैन हो रहा हूं मैं. तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि भगवान तुम्हें खुद को देखने देंगे? क्या कमी है मुझमें? चार वेदों का ज्ञाता हूं मैं, गीता रामायण कंठस्थ है मुझे, रोज सुबह शाम पूजा करता हूं, साधना करता हूं, जहां भी जाता हूं वहां के मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाता हूं. भगवान के दर्शन पाने का अधिकार मुझसे ज्यादा और किसे हो सकता है?
उस पेड़ को देखो। हाँ तो जब उसमें फल आते हैं तो उसकी डालियां झुक जाती हैं। हाँ तो साईं बाबा ये क्या पहेलियां बुझा रहे हैं आप? रहम करो, परम करो। नहीं माजी। रहम करो, करम करो। रहम करो, करम करो। माफ कीजिएगा कि रहम करो, करम करो। रहम करो, करम करो। शायद तुम्हें खुश रखेंगे। आगे बढ़, मेहनत की दो रोटी कमा, आलसी कहीं की, काम वाम कुछ करना नहीं, बस भीख मांग लो। बेटा इस उम्र में कौन काम देगा मुझे? तुम काम दोगे? हाँ, तुम जैसे निकम्मा नकारा लोगों को सहारा देने का ठेका जो उठा रखा है मैंने, है ना? घर में कोई काम करने वाला नहीं है क्या? है ना, मेरा पोता है हर्षु, तो वो काम करता है, हम दोनों के लिए वो कमाता है, लेकिन कुछ दिनों से वो बीमार है, इसलिए मजबूरी में मुझे ये भीख मांगनी पड़ती है। एक पैसा दो। दिन में तुम जैसे 10 भिखारी मिल जाए ना तो उन्हें एक एक पैसा देके खुद को लुटा दूं मैं। ऐसे क्या पेड़ पे उगते हैं? देखो बेटा, साई कहते हैं एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अच्छा, साई कहते हैं? तो जाओ ना अपने उस साई के पास, मदद मांगो उससे। बड़ा इलाज करते फिरते हैं ना, तो लेके जाओ अपने उस पोते को उनके पास, वो इलाज करेंगे, उसका ठीक करेंगे, फिर तुम्हारा वो पोता जाके कमाएगा तुम्हारे लिए। और तुम ये भीख मांग कर दूसरों को परेशान किस लिए कर रही हो? चलो जाओ यहां से। रुकिए। साई, साई, प्रणाम साई। राम जी भला करें। साई, सुबह से घूम रही हूं, किसी ने एक पैसा नहीं दिया, ऐसा लग रहा है जैसे यह मेरा कोई है ही नहीं। लेकिन साईं, जिसका कोई नहीं उसका सहारा आप ही तो है। मैंने कल उदी दी थी आपको, क्या उसका असर नहीं हुआ? बड़ी आस्था के साथ उदी लेके गई थी उसके लिए, लेकिन आशु को यकीन ही नहीं हुआ कि उदी से उसका भला होगा। खुद लेने से उसने इनकार कर दिया। अब तो एक ही उम्मीद है, वो आराम करे, ठीक हो जाए और फिर काम पे जाए। लेकिन साई, खाने पीने के लिए पैसा होना जरूरी है ना? अरे मैं मुश्किल से पैसा नहीं जुटा पाई तो फिर ठीक कैसे होगा? और
शरीर में काम करने की ताकत कहाँ से आएगी? मैं आपकी मदद करूंगा मथुरा दाई। कर दी मदद तुम्हारे साई ने। बहुत बोल रही थी ना साई ने, ऐसा क्यों किया? धन्यवाद साई। अरे तुम्हें अगर कंकड़ पत्थर ही चाहिए थे तो मुझे कह देती, इससे बड़े बड़े पत्थर डाल देता मैं तुम्हारी झोली में। अब लेके जाओ ये कंकड़ पत्थर और पेट भरो अपने उस पोते का, जाओ। पत्थर के रूप में ही सही, साई का आशीर्वाद पाना सौभाग्य की बात है। और ये पत्थर, मेरे लिए पूजनीय है। चलती हूँ साई। राम जी भला करें। साई, उस औरत ने इतनी उम्मीद से आपके सामने झोली फैलाई और आपने पत्थर दिया, क्यों साईं? अपना अपना नजरिया है महादेव। कोई पत्थर को रास्ते की अड़चन समझकर हटा देता है तो कोई उसी पत्थर को तराश कर एक सुंदर सी मूर्ति बना देता है। जैसी इंसान की नीयत, जैसी उसकी श्रद्धा, पत्थर वैसा ही रूप धारण कर लेता है। समय है साई की उदी ले ले। तरह तरह के रोग ठीक किए हो उन्होंने उसी उदी से। नहीं आजी, ये सब अंधविश्वास है। क्या तू ठीक होना नहीं चाहता है? होना चाहता हूँ आजी, और अपने से ज्यादा आपके लिए, ताकि आपको लोगों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। फिर भी खाली हाथ लौटी हूँ। जो भी पाया साई से ही पाया। साई से? उन्होंने क्या दिया? देख बेटा, देख। मदद नहीं कर सकते थे तो ऐसी बेइज्जती तो नहीं करनी चाहिए थी आपकी। मैं जानता हूं उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैंने उनकी उदी लेने से मना कर दिया, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब पता चला साई की असलियत क्या है? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। साई कभी कुछ ऐसा नहीं करते जिसमें लोगों की भलाई ना छुपी हो। उन्होंने जरूर कुछ। आजी, कब आपको साई का ढोंग नजर आएगा?
गलती से उन्होंने दो चार लोगों का इलाज क्या कर दिया, सब उनके अंधभक्त हो गए। लेकिन मैं औरों की तरह नहीं हूं। गलत था जी, आपके विश्वास की जीत हुई, मुझे आपके विश्वास पे अब विश्वास हो गया आजी, मुझे माफ कर दो आजी, मुझे माफ कर दो आजी, मुझे उदित ला दीजिए। ओ जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा मैं जो सर्वोपरि हूँ, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। आजी, एकदम से बेहतर लगने लगा है मुझे। सच? हाँ। साई कृपा, साई बाबा, मुझसे भूल हुई आपको पहचानने में, अपने स्वार्थ के कारण से ही आपकी सच्चाई समझ में आई मुझे। पहले दिन सुबह सुबह बुलावा भेज दिया, पहले ही दिन से शोषण शुरू। नहीं आई, उनके घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए, उसी की मरम्मत के लिए जल्दी बुलाया है। अब शुरुआत है तो काम में तो मन लगाना पड़ेगा ना। आई तो फिर उस हिसाब से पैसे भी अच्छे दे रहे होंगे। कहां अच्छे पैसे आई, महीने के सिर्फ 7 रुपए दे रहे हैं। क्या? तो तूने हाँ क्यों की? इतने कम पैसों में हमारा गुजारा कैसे होगा? मैं क्या करता आई, पूरा गांव छान मारा, कोई काम नहीं दे रहा था, मजबूरी थी। पर आई, इस काम में एक फायदा है, अगर मैं सरकार के लिए काम करूंगा तो किसी की मजाल नहीं होगी जो मुझे ताना मारे। इसके वजह से हमें भूखा मरना पड़ रहा है। पर काना, इस मकान का किराया ही 10 रुपए है। तात्या ने कहा है आराम से पैसे देना, लेकिन देने तो 10 रुपए ही होंगे ना। तुम कह रहे थे कि तात्या सज्जन इंसान है, लेकिन वो कब तक अपनी सज्जनता दिखाएगा? और फिर महीने का किराना, सब्जियां, लकड़ी, उपले, कम से कम 30 रुपए तो तनख्वाह होनी चाहिए थी। इतने कम में भला हम तीनों कैसे रहेंगे? तो क्या घर बैठे बैठे अपने आप 30 रुपए आ जाएंगे?
एक तो कोई काम नहीं दे रहा था और जो तैयार हुए उन्हें लगता है कि मैं 30 रुपए पाने के लायक नहीं हूं। सासु भाई, आप बिल्कुल सही कह रही है। 7 रुपए में हमारा घर नहीं चलेगा। अगर आप कहे तो मैं कुछ काम करूं, शायद कुछ। क्या कहा तुमने? बाहर जाके काम करेगी? बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों के बीच खुलकर घूमने का? नहीं, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती। मेरी मदद करना चाहती है? या ये जताना चाहती है कि मैं बेकार हूँ? तो लोगों को ये जताना चाहती है कि मैं काफी नहीं हूँ अपने घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए, जरूरतें पूरा करने के लिए? बेटा खाना तो खा ले। बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लिया कर। मैं जानती हूं कि घर में पैसे की बड़ी तंगी है, पर हर बात कहने का एक समय होता है, तरीका होता है। क्या ये सही समय था जब वो अपनी नौकरी को लेके पहले से ही परेशान है? और तुमने सोचा भी है कि तुम करोगे क्या? बस जी में आया बोल दिया और बेचारे को ढंग से खाने भी नहीं दिया तुमने। कैसे गुजारा करेंगे? मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? आ गया है कपिला, चलते हैं। अपनी पत्नी के साथ रहता है। पिताजी, पिताजी, साल खत्म होने वाला है और साल खत्म होने पर बंबई में अंग्रेज लोग बड़ा जश्न मनाते हैं। मेरे बाबा ने भी उनके लिए दावत रखी है घर पे। मैं चाहती हूँ कि राजा और उसके बाबा दोनों मेरे साथ बंबई चले, लेकिन ये है कि मान ही नहीं रहे। अब आप ही समझाइए अपने बेटे को। उस दावत में बंबई और आसपास के बड़े नामी गिरामी लोग आने वाले हैं, जो आपके बेटे की मदद कर सकते हैं उनका कारोबार बढ़ाने में। थोड़ा समझाइए उन्हें। हरिओम हरिओम बहू, मैं उसे जाने के लिए तो कह सकता हूँ, लेकिन तुम जानती हो कि वो मेरी बात मानेगा नहीं, समझी? तुम ही कोशिश करो केशव को मनाने की, और अब अपने कक्ष में जाओ। हमारे घर की बहू को इस तरह श्रमिकों के सामने आना शोभा नहीं देता। और बीच में मत टोको, मैं संता के साथ कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा हूं, जाओ। जब से ससुर जी फिर से मुखिया बने हैं, मेरी कोई मदद नहीं करते हैं। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? सरकार, मैं ये कह रहा था कि कान्हा जी की पत्नी गजब की सुंदर है, और ऐसी सुंदर औरत मैंने इस गांव में कहीं नहीं देखी। और जानते हैं सरकार, उसने मेरा परिचय ना तो अपनी आई से करवाया, ना ही अपनी पत्नी से। मुझे तो लगता है सरकार कि वो अपने परिवार को लेकर गोपनीयता बनाए रखना चाहता है। कैसे गधे हो तुम संता, कैसे गधे हो?
क्या मैंने तुमसे ये जानकारी लाने के लिए कहा था कि उसकी पत्नी खूबसूरत है या नहीं है? मैंने तुमसे ये कहा था कि जाकर देखो वो आदमी भरोसा करने के लायक है या नहीं, कहीं उसके पास कुछ अविश्वसनीय तो नहीं है? वही तो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ सरकार, उसकी पत्नी बड़ी डरी सहमी हुई सी लग रही थी। जरा सोचिए, अफसरा सी सुंदर दिखने वाली औरत इस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति से कैसे शादी कर सकती है? धन दौलत होती तो बात समझ में आती, वो भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इसने किसी अबला को अगवा कर लिया हो, नहीं तो बला की खूबसूरत दिखने वाली औरत इस जैसे साधारण दिखने वाले व्यक्ति से अपनी मर्जी से कैसे शादी कर सकती है? पिताजी, जब मैं आपसे महत्वपूर्ण बात कर रही थी तब आपने कहा कि आपको संता जी के साथ कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है, इसलिए आपके पास समय नहीं है। और आप यहाँ बैठकर उस बदसूरत नौकर की खूबसूरत पत्नी का बखान सुन रहे हैं। हरिओम, ये तो मुझे घूर रहा है उसका ये दुस्साहस। संता, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। भ्रम हंस हंस के साथ ही जोड़ी बनाता है। कभी सुना है कौवे को हंस के साथ जोड़ी बनाते हुए? इन्हें किसने बताया होगा सुशीला के बारे में? बाबा बोलिए ना, भगवान के दर्शन कब करवाएंगे आप? बाबा आप मेरा अपमान कर रहे हैं। गाय से बात करने के लिए आपके पास समय है, लेकिन मेरी बातों का जवाब देने के लिए आपके पास समय नहीं है। ठीक है, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे ना तो मैं किसी ऊंची चट्टान से कूद जाऊंगा। अगर जीवित रहकर भगवान को नहीं देख पाए, मरने के बाद उन्हें देख लूंगा। ए, क्या सोच रहे हो? जाओ जाकर सामान लेके आओ। जा रहा हूं। मेरी पत्नी के बारे में बताया किसने? इन मंदिरों में से कोई नहीं। तुम्हारे चेहरे को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो गई हो, और तुम्हारी पत्नी जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भूतनी हो जिसे कोई देख नहीं सकता। और कोई मुझे क्यों बताएगा? आज सुबह जब मैं तुम्हारे घर गया था तो खुद मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हारी पत्नी को। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, तो वही बात मैं सरकार को बता रहा था। वैसे राज क्या है तुम्हारा? इतनी सुंदर लड़की तुम्हारे हाथ लगी कैसे? एक कोई तरकीब है तो मुझे भी बता दो। अगर तुम्हारी सुंदर पत्नी जैसी पत्नी मुझे भी मिल गई ना, तो जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी मेरे। हाँ, कपिला, मेरे साथ चलोगी तो बहुत देर हो जाएगी। तुम्हें जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना है। मैं तुम्हारी डोर छोड़ रहा हूं। आगे क्या करना है तुम जानती हो। जाओ कपिला, तुम्हें आज अपने नए घर जाना है। जल्दी जाओ। चलो महादेव, अब तुम्हारी बारी है। सच साईं, तेरी महिमा मेरे साईं, कौन जान पाया।
साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। रुको, मैं अभी आई। कहाँ से आई हो तुम? मूर्पक, कृष्णा, इस घर के बाहर क्यों लेकर आए? भगवान यहां क्यों दिखाई देंगे? ईश्वर को देखने का एक ही तरीका है और वो है सेवा। और सेवा हमेशा किसी जरूरतमंद की करते हैं। मुझे क्या करना होगा? अंदर एक बुजुर्ग रहते हैं, उनका इस दुनिया में कोई नहीं है, उनके साथ रहकर उनकी सेवा करो और जैसे ही सेवा पूरी होगी तुम्हें ईश्वर दर्शन देंगे। बस इतनी सी बात? बुजुर्ग की सेवा करना तो पुण्य का काम है। मैं अभी जाता हूं और अब तो दर्शन करके ही बाहर आऊंगा। भगवान होता तो मुझे ठीक कर देता, कमबख्त ना जीने देता है ना मरने देता है। भगवान में कोई शक्ति नहीं, सिर्फ दुख देना जानता है, सिर्फ दुख। दिखा रहे से भगवान को। बाबा, आपको मदद नहीं करनी थी तो पहले ही ना कह देते। ये सब करने का क्या मतलब है? इतनी जल्दी दर्शन भी हो गए? बाबा, आप मेरे साथ ये सब जानबूझ के कर रहे हैं ना? मैं तो सिर्फ अपना ज्ञान तुम्हारे साथ साझा कर रहा हूँ। आप कोई ना कोई चमत्कार करके मुझे भगवान के दर्शन करा सकते थे, फिर आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं करनी उस बीमार की सेवा। बाबा, बाकी सब तो एक बार मैं बर्दाश्त कर लूं, लेकिन भगवान का तिरस्कार मैं कैसे सहूं? ऐसे नास्तिक की सेवा करके मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? बाबा, मैं तो ईश्वर को देखने का
एक यही तरीका जानता हूं। अगर तुम्हें वो ठीक नहीं लगता तो तुम मत करो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन फिर ईश्वर को देखने का तरीका भी खुद ढूंढ लेना। अभिमान है उसे अपनी सुंदरता पर, अपने रंग रूप को लोगों को दिखाने का बहुत शौक है ना उसे, तो आज मैं उसका रूप ये हमेशा के लिए बिगाड़ दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। प्यारी है ये तो। ऐसा लगता है जैसे आपको पसंद करने लगी है ये। किसकी है? पता नहीं, खुद ब खुद यहाँ आ गई है। लेकिन मेरा दिल कहता है कि ईश्वर ने इसे हमारे लिए यहाँ भेजा है। परसों बाद इन्हें इतना खुश देखा है। मैं सोच रही थी क्या हम इसे अपने पास रख ले। हाँ क्यों नहीं, खुद चल के आई है तो रख लेते हैं। आज सुबह से ही हम पैसों को लेकर इतने परेशान थे, चिंतित थे, लेकिन अब इसके यहाँ आ जाने से हमारी बहुत मदद हो जाएगी। इसकी सहायता से हम अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। मैं इसके दूध से दही बनाकर गांव में बेचूंगी तो आमदनी अच्छी होगी। मैं घूंघट डालकर ही जाऊंगी और आई को भी साथ लेकर जाऊंगी। लेकिन आओ, भगवान के लिए मना मत कीजिएगा, हमें गुजारे के लिए और पैसों की जरूरत होगी, और यही एक जरिया है जिससे हम सम्मान से रह सकते हैं और अच्छे से गुजारा कर सकते हैं। तो कहो क्या फैसला है तुम्हारा? मैं अभी भी नहीं समझ पाया ऐसा करने की जरूरत क्यों है, पर भरोसा भी आप पर ही है। ठीक है, मैं करूंगा। तो अब जाओ, सेवा करो उनकी। राम जी भला करें। ठीक है, मैं इसके लिए चारा लेकर आता हूं। Thank you.
ये जब आज आए थे तो इनका चेहरा गुस्से से लाल था। मैं तो डर गई थी कि आज न जाने मुझे क्या सजा मिलेगी, लेकिन जैसे ही उनकी तुम पर नजर पड़ी उनका गुस्सा छूमंतर हो गया। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि वो बिल्कुल बदल गए। ऐसा लगता है जैसे कृष्णा जी ने ही तुम्हें यहाँ भेजा है मेरा जीवन बदलने के लिए। शीला, आओ अंदर आओ। काकी, थोड़ा दही होगा आपके पास? मुझे दही जमाना है। हाँ है ना, अभी लाती हूँ। तब तक तुम बैठो। बाजी बाजी रुको, कुछ खाए बिना बाहर नहीं जाने दूंगी। पहले आप मुझे पकड़िए तो सही। लो। शुक्रिया काकी। धन्यवाद मुझे नहीं साईं का करो, हमारे पास जो है उसी की कृपा से है। साई? हाँ, यहाँ पास में ही द्वारका माई है, वहाँ रहता है, सबकी मदद करता है। इस गांव में हर किसी के सर पर उसका हाथ है, आशीर्वाद है। इसीलिए हम सबसे हर संकट हर विपत्ति दूर रहती है। कुछ साल पहले गांव में महामारी फैली थी, उस वक्त साई ने ही हम सबको उस महामारी से सुरक्षित रखा था। कहते हैं है तो बैरागी, लेकिन मन की आंखों से देखो तो भगवान दिखेगा। वो नर के रूप में नारायण। मतलब आपके भगवान है वो? भगवान भी और बेटा भी। मैंने जन्म नहीं दिया पर उसे अपना बेटा माना है, और उसने भी मुझे अपनी माँ की भांति प्रेम सम्मान सब कुछ दिया है। इस गांव के हर किसी के साथ उसका एक अनोखा रिश्ता है, सबके सुख दुख समझता भी है और बांटता भी है। कोई उसे अपना भाई, कोई दोस्त, तो कोई गुरु मानता है। जैसे रिश्ता भगवान से होता है ना, वैसा ही भगवान कृष्ण के लिए मेरी भी कुछ ऐसी ही भावनाएं हैं। मैं अपने सारे दुख दर्द उन्हीं से ही साझा करती हूँ। वो मेरे पिता हैं, भाई हैं, बेटे हैं, मेरी कोई औलाद नहीं है पर वो मेरे सब कुछ है। अजीब बात है ना, कैसे हम सब भगवान को अपने अपने नजरिए से देखते हैं। चलती हूँ। नादान है तू, साईं खुद कहता है कि सबका मालिक एक, और साईं उसी मालिक का रूप है, वही कृष्ण है, वही शिव है। तू जब भी उससे मिलेगी तुझे भी ये विश्वास हो जाएगा। Oh.
नहीं, लेकिन मैं चार वेदों का ज्ञाता हूँ, समाज में सम्मानित हूँ मैं। कितने महान हो, तो यहाँ क्यों आए हो मेरे पास? जी, आपकी सेवा करने आया। आपकी सेवा करने आया। सेवा? सेवा? आज के युग में बिना स्वार्थ के तो बेटा भी बाप की सेवा नहीं करता है, तो तू क्या करेगा? जानते हो मुझे क्षय रोग हुआ, इसलिए मेरे परिवार वाले मुझे छोड़कर चले गए। हे देवा, मुझसे सेवा कराने के लिए साईं बाबा को क्षय रोग का मरीज ही मिला था। और कम वक्त ऊपर वाला अधिकार है उसको। भगवान को कुछ मत कहिए। रखे हो रखे, कहाँ रखे? आजाद पर कहूंगा उसको, अधिकार है, अधिकार है। उसी ने तो मेरी ये हालत की है, उसे तो मैं दिन रात कोसता रहूंगा। कहाँ फंसा दिया साईं बाबा ने मुझे? उठिए, खाना बना के लाया। नहीं खाना। क्यों, अब क्या हुआ? पहले तू साफ साफ बता, यहाँ किस उद्देश्य से आया है? और ये सेवा करने का नाटक क्यों कर रहा है? मैं जो कर रहा हूँ पुण्य कमाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? अब खा लीजिए, वरना भूखे रहना पड़ेगा। अब तो ये खाना छूऊंगा भी नहीं, ऐसी बेइज्जती की रोटी मेरे गले से नहीं उतरेगी। मैं कोई गाय बैल हूँ जो तू रोटी फेंकेगा? मैं खा लूंगा, ले जा। ठीक है, मत खाइए, मुझे क्या? चला था सेवा करने, सीधे मुंह बात तो होती नहीं तुझसे, मेरी सेवा करेगा? मैं तो ईश्वर को देखने का एक यही तरीका जानता हूं, अगर तुम्हें वो ठीक नहीं लगता तो तुम मत करो। खा लीजिए ना, वरना कमजोरी आ जाएगी। मेरे हाथ मुंह कौन धोएगा? चारों वेदों के ज्ञाता हूं, इतनी भी अकल नहीं है? खाने से पहले हाथ मुंह धोना चाहिए। लीजिए। अब तो खा लीजिए। ना खाना खाऊंगा और ना तुझे पुण्य मिलेगा। जिस उद्देश्य से तू यहाँ आया है, खा लीजिए। ना, ऐसे नहीं,
विनम्रता से कहो, ना जोड़कर गिरधर जी खाना खा लीजिए। बोल बोल बोलना। गिरधर जी आपसे विनती है, कृपया खाना खा लीजिए। लीजिए। पेड़ झुकना सीख रहा है, अच्छा है। जितना झुकेगा उतना ही फल देगा। क्या बात है साई, आज तो आप बड़े खुश लग रहे हैं। आज का दिन बहुत अच्छा था। अच्छा दिन किस तरह से साई? आज कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनसे बहुत लोगों के जीवन में अच्छा परिवर्तन आएगा। मैं कुछ समझा नहीं। तात्या, हम भगवान से अक्सर मदद मांगते हैं, लेकिन भगवान मदद तब करते हैं जब हम उस दिशा में पहला कदम खुद उठाएं। नाकामी के डर से कोशिश ना करना, लेकिन भगवान से मांगते रहना, इससे कुछ नहीं बदलता। आज दो लोगों ने उस दिशा में पहला कदम उठाया है। यात्रा शुरू करने से ही मंजिल मिलती है। कहाँ रख दिया मैंने?
ये बदलाव मेरे कान्हा के कारण हुआ है। सबसे पहले थोड़ा सा दही उन्हें अर्पित करूंगी। हे भगवान। बैठ बैठो भाई। हाय पानी। क्या हुआ सासू भाई को? वो आई को अपने साथ मारुति मंदिर ले गया। वापस लौटते समय आई की सांसें फूल गई। ठंड का समय है, लगता है आई की दमे की बीमारी फिर से बढ़ गई है। सुन भाई, दही जमा। जी। सुन बच्चे, मेरे हालत ऐसे नहीं है कि मैं सुशीला के साथ जा सकूं। तू ही चला जा। आई, मैं नहीं जा सकता, मुझे तो काम पे जाना है ना। सुशीला ने मटकी भर दही जमा के रखा है, उसका क्या होगा? तो मुझे ही जाना पड़ेगा। नहीं सासु भाई, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर ऐसी हालत में आप बाजार जाएंगी तो आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी। आप आराम करिए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं अकेले ही। मैं घूंघट डालकर ही जाऊंगी। वादा करती हूं मैं आपसे। खाओ मेरी कसम। आपकी कसम? मैं किसी को भी अपना चेहरा देखने नहीं दूंगी। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर किसी ने भी तुम्हारा चेहरा देखा तो तुम्हें इस घर में दोबारा कदम रखने नहीं दूंगा, समझी? जाओ ना, मुहूर्त निकलवाना होगा क्या तुम्हें जाने के लिए? अपने कानों को दही का पहला भोग भी नहीं लगा सकी। साईं, खाना शुरू करो। नहीं भाई साहब, आज मेरा दही खाने का मन कर रहा है। मैं अभी घर से लेकर आता हूँ। तात्या, आज घर में दही नहीं है। कल सुशीला आई थी दही मांगने, तो सारा दही मैंने उसको दे दिया। तो फिर मैं कहीं और से लेकर आता हूँ। दही ले लो, दही गाढ़ा मलाईदार मीठा दही। दही ले लो, दही। दही ले लो, दही गाढ़ा मलाईदार मीठा दही। लीजिए साईं,
तात्या ये मीठा नहीं है, कहीं और से ला सकते हो? जरूर ला सकता हूं साई, अभी आया। दही ले लो, दही, गाढ़ा दही। अब तक एक भी खरीदार नहीं आया। लीजिए साई। ना, इसमें भी स्वाद नहीं। दही ले लो, दही, मलाईदार दही, दही ले लो। साई, एक ही दुकान और थी आज जहां दही मिल सकता था। देखिए, शायद आपको ये अच्छा लगे। ये भी मेरे मन लायक नहीं है। फिर आप ही बताइए ना साई, आपके मन लायक दही पूरी शिरडी में और कहां मिलेगा? ये तो मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि मेरे मन लायक दही मुझे शिरडी में ही मिल सकता है। और जब तक मुझे दही नहीं मिलेगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तात्या, साई की ये जिद भी अकारण नहीं है। जरूर कुछ है जो चल रहा है इसके मन में। तुम जाओ, एक बार और ढूंढो। ठीक है आई। साई के क्या है, कौन जान पाए। साई, साई, साई मेरी मदद कीजिए। साई, क्या हुआ पंडरी? साई, मैं अपनी गायों को चराने के लिए जंगल के पास वाले मैदान में गया था। गुनगुनी धूप थी साई, मेरी आंख लग गई और जब आंख खुली तो देखा कि गाय नहीं है। साई, मैंने चारों तरफ ढूंढा मगर मुझे गाय कहीं नहीं मिली। मुझे डर है साई, कहीं वो जंगल की तरफ नहीं चली गई हूं। अगर ऐसा हुआ तो हिंसक पशु उनका शिकार कर लेंगे, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। साई, साई मेरी मदद कीजिए। साई, सबूरी पंडरी, तुम्हारी गायों को मैं ढूंढ के ला दूंगा। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आया। मैं भी आपके साथ चलूं। और कितना ढूंढूं, कहां ढूंढूं? साई, एक इशारा तो दीजिए। किसी ने भी दही नहीं खरीदा, अब क्या करूं? महिनी, आप कानोजी भाव की पत्नी है ना?
जी गला पाई से दही मांग कर ले गई थी ना? मैंने उसी से तो ये दही जमाया है। आपको ये दही चाहिए? हाँ थोड़ा चाहिए, लेकिन मीठा है ना, क्योंकि साई को मीठा दही ही चाहिए। वो अभी तक 8-10 जगह से लाई दही को चक्कर बेस्वाद बता चुके हैं। है तो बैरागी, लेकिन मन की आंखों से देखो तो भगवान दिखेगा वो, नर के रूप में नारायण। एक तो ये आपके घर के दही से दही जमाया है, दूसरा मैंने ये दही पूरे मन से जमाया है। और कहते हैं ना, मन से बनाई हुई चीज हमेशा अच्छी ही होती है। शायद साई को भी पसंद आ जाए। उम्मीद है कि ऐसा ही हो, लेकिन अगर उन्हें ये भी दही पसंद नहीं आया ना, तो मुझे शिरडी के बाहर जाकर ही उनके लिए दही लाना पड़ेगा। कल भाईसा काकी ने साई के बारे में बताया था, तब से बड़ी उत्सुकता हो रही है उन्हें देखने की। आखिरकार कौन है वो इंसान जिसे आप सब भगवान मानते हैं और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए इतने व्याकुल हैं? मेरे साथ खुद चलकर देख लीजिए, साई की द्वार का भाई सभी के लिए खुली रहती है। मैं अभी चलूं? क्यों नहीं, अगर आप ये दही अपने हाथों से उन्हें देंगी तो उन्हें भी बड़ी खुशी होगी। मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकती हूँ, चलती हूँ। आपको जितना दही चाहिए आप ले लीजिए। मुझे सारा चाहिए, दीजिए। अब चलती हूँ। इतनी मधुर धुन, ये साई के बांसुरी की आवाज है। आओ। अद्भुत साई, ये रास्ता भटक गई थी,
देखो तुम्हें देखकर कैसे खुश हो रही है। अब तुम इन्हें ले जा सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साई, मेरी मदद कीजिए। सब लोग करके पूरे मन से दही जमाया है आपने, मुझे नहीं खिलाएंगी? सारा सामान सही समय पे मंडी में पहुंच जाना चाहिए, ठीक है? चलो ए लड़के, रुक, अंदर कहाँ जा रहे हो? ए, तमीज से बात कर, सरकार के पोते हैं ये, राजा नाम है इनका। राजा नहीं, प्रहलाद नाम है मेरा। कुछ दिन पहले प्रहलाद को गांव के कुछ बच्चे और एक फकीर के साथ खेलते हुए देखा था। ये इतने बड़े घर का बच्चा है, फिर उन लोगों के साथ क्यों? क्या कुलकर्णी सरकार भी उस फकीर को मानते हैं? भूल से भी उस फकीर का नाम इस वाड़े में मत लेना, सरकार नफरत करते हैं उससे। फकीर नहीं, बहुत बड़ा पाखंडी है वो, काला जादू करता है। सरकार के बेटे और उनके पोते पर भी काला जादू कर दिया उसने, तभी तो दोनों बाप बेटे सबको छोड़ छाड़ के उस फकीर की सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार के बेटे पढ़े लिखे नहीं है, छोटे सरकार के शव विलायत गए थे, वहां से पढ़ लिख कर आए हैं, चाहते तो बरिस्टर बन सकते थे, लेकिन उस फकीर के कारण यहां पर छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं और अपना आधे से ज्यादा समय गांव वालों की मुफ्त में मदद में गुजारते हैं। तुम इस गांव में नए आए हो, इसलिए तुम्हें आगाह कर रहा हूं, दूर रहना उस फकीर से। सही कह रहे हैं आप, मेरा भी सामना एक बार हुआ था उस फकीर से। अच्छा, मुझे तो पहले ही नजर में पसंद नहीं आया। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो दूसरों के मामले में टांग अड़ाए। आदमियों की परख है तुम्हें, समझदार लगते हो। बस एक बात का ध्यान रखना, अपनी इसी बात पर कायम रहना, दूर रहना उस फकीर से, क्योंकि वो फकीर मौके की तलाश में रहता है और आदमी की सबसे कमजोर नस को पकड़ता है। एक बार जो फंस गया वो गया। आप बेफिक्र रहिए, उसकी परछाई तक नहीं पड़ने दूंगा, ना अपने आप पर ना अपने परिवार पर। सही कहा। साई बाबा, अगर मैं ये कहूँ कि सबसे पहले दही आपको दे रही हूँ तो वो गलत नहीं होगा। आप ही मेरे पहले ग्राहक हैं। क्या स्वाद है, मानो कामधेनु गाय के दूध से यशोदा मैया ने बनाया हो। इसे खाकर तो आत्मा तृप्त हो गई।
क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं साई बाबा? ये द्वारका माई है, यहां आने वाला हर इंसान, जीव जंतु सब एक समान है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। फिर यहां भी ये पर्दा क्यों? साईं, इनके यहां रिवाज है, इनके घर की औरतें पुरुष क्या औरतों के सामने भी पर्दा नहीं हटाती? पूरा शिरडी मेरा परिवार है और आपने अभी मुझे साईं बाबा कहा, अपने बाबा से कैसा पर्दा? खाओ मेरी कसम। आपकी कसम? मैं किसी को भी अपना चेहरा देखने नहीं दूंगी। साईं, मैं समझता हूं। सुशीला, सब ठीक तो है ना? हाँ काकी, सब ठीक है। सब ठीक है तो फिर कान्हा छुपे हुए क्यों है? साई को कान्हा वाली बात कैसे पता चली? मैंने तो इसका जिक्र नहीं किया। आज बाजार में बहुत भीड़ थी, इसलिए आपकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया और इसीलिए आज आप बाजार में दही बेच नहीं पाई। घर घर जाकर दही बेचिएगा, उससे बिक्री ज्यादा होगी। आपने तात्या से कहा पूरे मन से दही जमाया है तो अच्छा ही होगा। जो विश्वास आपको अपने दही के स्वाद पर है, वही विश्वास आपकी आवाज में झलक क्यों नहीं रहा है? झलकना चाहिए ना, खुद के लिए। खुद की बनाई किसी भी वस्तु के बारे में जब आप पूरे यकीन से बोलेंगी तो फर्क दिखेगा। क्या इनसे कुछ भी नहीं छुपा? जी साई, लेकिन मेरे लिए रोज ये दही लेके आइएगा। जरूर लाऊंगी साई, अब से एक कटोरी दही आपके लिए रोज लाऊंगी। भूलिएगा नहीं, जब तक आप दही नहीं लाएंगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं जरूर लाऊंगी साई। अच्छा साई, मैं चलती हूँ। मेरे साई कौन जान पाया, ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। दही ले लो, ताजा मीठा दही ले लो। अरे सुनो, दही वाली दही देना। इतना ठंडा पानी, तेरी अक्ल घास चढ़ने गई है क्या?
इतनी सर्दी में अच्छा खासा आदमी भी ठंडे पानी से नहीं नहाता। फिर तो मैं छह रोग का मरीज हूँ। अरे मारने का इरादा है क्या? जाना गर्म पानी लेके आ। जा। इतना गर्म पानी, इतने गर्म पानी से कौन नहाता है? जला के मारेगा क्या? कभी आपको पानी बहुत गर्म लगता है, कभी बहुत ठंडा, आखिर आप चाहते क्या है? अरे बेवकूफ, गुनगुना पानी डाल, गुनगुना पानी किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। जीवन में संतुलन आवश्यक है। आंखें तरीर का क्या देख रहा है? गुनगुना पानी डालना। ऐसे अकड़ जाऊं मैं? सलाह बिल्कुल सही थी। घर घर जाकर बेचने से सारा दही जल्दी बिक गया। अरे किधर रख के मारेगा क्या? लाता हूँ कपड़ा। जो थी ये आप क्या कर रहे हैं? तेरे गुरूर की तरह तुझसे चिपका रहूंगा, आसानी से नहीं हटूंगा। सेवा करनी है तो सेवा भाव भी रखना होगा। सुनबाई कहाँ रह गई? बड़ी देर हो गई है उसे गए हुए। ये चीटियां कहाँ जा रही हैं? क्या ढूंढ रहे हो साईं? कौड़ियां। क्यों? आज कौड़ियों के साथ खेलने का मन कर रहा है। साईं
साई। हे भगवान, ये चीटियां तो कान्हा की मूर्ति की तरफ जा रही है। इस गुड़ के वजह से चींटियां आ रही है। घर में गुड़ का टुकड़ा कहां से आया? मुझे तो लगा कि चींटियां जैसे कान्हा की मूर्ति की तरफ जा रही है, लेकिन अचानक से मुड़ कैसे गई सबके सब?